अस्सलाम वालेकुम अमीर है, आप सब खैर खैरियत से होंगे। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही मज़े के वाइट कबाब। ये बहुत ही आसान तरीके से बनते हैं और बहुत ही मज़े के हैं, आप सबको ज़रूर पसंद आएंगे इंशाल्लाह। एक प्याली कच्चे आलू, कच्चे आलू को मैंने कद्दूकस कर लिया। इसे मैंने 2-3 बार पानी में अच्छी तरह वाश किया है। इसका पानी ना मैंने अच्छी तरह निचोड़ लिया है, अच्छी तरह पानी निकाल लिया मैंने। एक प्याली भर के लिए मैंने ये 1.5 पाव आलू है, 3 आलू है बड़े साइज के। सब्ज धनिया बारीक कटा हुआ, 3 सब्ज मिर्च बारीक कटी हुई, आधी प्याली मैदा। आप मैदे की जगह कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। 1 चमची नमक डालेंगे, नमक जरूरत के हिसाब से डाल सकते हैं। आधी चमची पिसी हुई काली मिर्च डालेंगे। सब चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना। आप दे सकते हैं, इसे मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। आप दे सकते हैं, ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रखा था। ऑयल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है, ऑयल मैंने कम डाला है। आप ज्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं कम ऑयल में इसे पकाऊंगी। इसी तरह थोड़ा थोड़ा पेस्ट लेंगे और इसे तैयार कर लेंगे। आप इसे कोई भी शेप दे सकते हैं, मैं इसे टिक्की की शेप दूंगी। इसे मैंने बहुत पतला रखा है। इसे 2 मिनट के लिए पकने देंगे, 2 मिनट के बाद में इसे उठाना, कच्चा बिल्कुल भी नहीं उठाना। माशाल्लाह ये देखिए, 2 मिनट के बाद मैंने इसे उठाया, आप दे सकते हैं। 2 मिनट हो चुके हैं, ये देखिए मैंने इसे उठा लिया एक बार। जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं बहुत सी कम चीज़ों से, कम मसालों से बहुत ही मज़े की रेसिपी बनाती हूँ। ये दोनों साइडों से ना ऐसे उलटाते हुए ब्राउन कर लेना। चूल्हे की आंच को मैंने थोड़ा कम रखा है ताकि अंदर तक आलू हमारे अच्छी तरह पक जाएं। दोनों साइडों से अच्छी तरह ब्राउन कर लेते हैं इसे। आप दे सकते हैं, दोनों साइडों से कबाब हमारे पक चुके हैं। आप इसे टिक्की भी बोल सकते हैं, वो आपका दिल है, जो चीज़ मर्जी बोल सकते हैं। अब इसे छन्नी में डाल लेंगे, जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाएगा। माशाल्लाह देखिए कितनी ही क्रिस्पी बनी है। इसे प्लेट में डाल लेते हैं। जो बाकी के बचे हुए कबाब हैं वो भी इसी तरह तैयार कर लेंगे। माशाल्लाह आप देख सकते हैं, व्हाइट कबाब हमारे तैयार हो चुके हैं। ये बहुत ही मजे के बने हैं, ये देखें बहुत ही टेस्टी हैं। आप इसे चाय के साथ खाएं, माइनिस के साथ खाएं, ये बहुत ही टेस्टी हैं। ये छोटे बच्चों को बहुत पसंद आएंगे। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अच्छा, खुदा हाफिज़।